नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। जम्मू कश्मीर में शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। शोपिया जिले के हादीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। एबीपी न्यूज़ की खबर के मुताबिक मारे गए आतंकियों में एक 14 साल का नाबालिग भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने नाबालिग को सरेंडर कराने की कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मीडिया खबरों के अनुसार नाबालिग संदिग्ध आतंकी के परिवार वालों को मौके पर बुलाया गया। वो पिछले कुछ दिनों से लापता था। बार बार समर्पण करने की अपील की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आतंकियों की ओर से लगातार फायरिंग जारी रही। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकी AL बद्रे संगठन से जुड़े हुए थे। उधर अनंतनाग जिले में भी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ चल रही है। अनंतनाग के बिज बिहारा में ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर में शोपिया की एक मस्जिद में आतंकी घुस गए थे। सुरक्षा बलों ने धार्मिक स्थल को बचाते हुए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। दक्षिण कश्मीर के अशांत शहर में 20 साल से अधिक समय में पहली बार है जब 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। ये पहली बार हुआ कि जब शोपियां मस्जिद के अंदर आतंकवादियों को घेरा गया। शोपियां में पिछली बड़ी मुठभेड़ 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जब 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।